Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are fine. अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, सर्दी से बचें, ठीक है? और SOPs जो आपको बताए गए हैं कोविड से बचने के लिए, उस पर अमल करें. स्टूडेंट्स, आपने स्केड्यूल बनाया अपनी स्टडी के लिए? जिन स्टूडेंट्स ने नहीं बनाया, बेटा आपको बनाना चाहिए, और ताकि आप अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जो है अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम दे सकें. स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, आपकी थर्ड टर्म स्टार्ट हो गई है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं. जी, आज हमारा क्लास 7 का आज की डेट देखें, 16 दिसंबर 2020, क्लास 7 का, क्लास हफ्तम का फर्स्ट लेक्चर है हमारा इस्लामियत का, ठीक है? बाब नंबर 4, सबक नंबर 5, यानी बाब नंबर 4 में से आपका सबक नंबर 5 है विसाल. ओके, क्या टॉपिक है हमारा? विसाल. जी बेटा, 7th क्लास, आप अपनी बुक देखें. आपको पता है ना, आपकी ये बुक फुल ईयर आपकी यूज होती है, एक पूरा साल इस्तेमाल होती है. इसमें जो आपके चैप्टर्स होते हैं, उसमें से कुछ टॉपिक्स लिए जाते हैं आपके. फर्स्ट टर्म में कुछ टॉपिक लिए, और उसके बाद सेकंड टर्म में कुछ टॉपिक्स लिए आपके. उसके अलावा जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं, वो आपके थर्ड टर्म में इंक्लूड होते हैं. ऐसे ही है, वैसे तो सिलेबस आप सबके पास है. जी, तो आज का हमारा टॉपिक है विसाल. विसाल का मतलब होता है मिलाप और मुलाकात. क्या मतलब होता है? मिलाप और मुलाकात, ठीक है? लेकिन यहां पर विसाल से मुराद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दारे फानी से कूच कर जाना, ठीक है, और अपने महबूब हकीकी से जा मिलना, ठीक है? अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं इसके. हरी अप बॉयज, ओपन योर बुक, पेज नंबर 48, पेज नंबर 48, रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम. जी, पेज नंबर 48, फर्स्ट पैराग्राफ है, हुज्जतुल विदा से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए. हुज्जतुल विदा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा वक्त इबादत इलाही में गुजारते थे, यानी वो ज्यादातर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते थे, अल्लाह ताला से कलाम करते थे. इबादत क्या होता है? जिसमें हम अल्लाह ताला से मुखातिब होते हैं. नमाज में हम अल्लाह ताला से क्या करते हैं? अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला से बातें करते हैं, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज्यादातर वक्त किसमें गुजरता था? अल्लाह ताला की इबादत करने में. इन्हीं दिनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 सफर 11 हिजरी को अलील हो गए. अलील का मतलब क्या होता है बेटा? अलील का मतलब होता है बीमार हो गए, ठीक है? लेकिन अलालत के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत खुद ही फरमाते थे. लेकिन बीमारी के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत, इमामत मीन होता है रहनुमाई, ठीक है ना? यानी एक शख्स जो होता है पूरी जमात को जो है वो नमाज पढ़ा रहा होता है, उसे बोलते हैं, उसे कहते हैं इमामत करने वाला, ठीक है? इमामत खुद ही फरमाते रहे. अलालत के चौथे रोज यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए. जन्नतुल बकी के, जन्नतुल बकी है मदीना मुनव्वरा का मशहूर कब्रिस्तान, ठीक है? तशरीफ ले गए. वहां से वापसी पर मर्ज ने शदीद शिद्दत इख्तियार कर ली. यानी जब वो वहां से वापस आए तो क्या हुआ, उनकी जो बीमारी है वो मजीद जो है वो बढ़ती गई, उनकी तकलीफ में मजीद इजाफा होता गया, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी अजवाजे मुतहरात से इजाजत लेकर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में सकूनत इख्तियार फरमाई, ठीक है? बाकी अजवाजे मुतहरात यानी अपनी बाकी बीवियों से इजाजत लेकर हजरत आयशा के हुजरे, हुजरे में, कमरे में सकूनत इख्तियार की यानी आराम फरमाया, ठीक है? सेकेंड पैराग्राफ पर आ जाते हैं हम इसके. जब तक आमदोरफ्त की ताकत रही, आमदोरफ्त की ताकत यानी जब तक चलने फिरने की ताकत रही, ठीक है? जब तक चलने फिरने की ताकत रही, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाते रहे, ठीक है? सबसे आखिरी नमाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई वो मगरिब की नमाज थी. कौन सी नमाज थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिरी नमाज पढ़ाई? वो थी मगरिब की नमाज. ईशा का वक्त आया तो दरियाफ्त फरमाया यानी पूछा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या नमाज हो चुकी, क्या नमाज, मतलब नमाज किसी ने पढ़ा दी है? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो तबीयत ठीक नहीं थी,
उन्हें नहीं पता था। तो जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ तबीयत बेहतर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, पूछा कि क्या नमाज हो चुकी। लोगों ने अर्ज की, लोगों ने कहा कि सबको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार है, यानी अभी किसी ने जमात नहीं अदा की, क्योंकि इमामत कौन करवाता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाते थे। उनकी जगह किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर वो इमामत करवाएं, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम सबको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार है, ठीक है। बर्तन में पानी भरवाकर गुस्ल फरमाया, गुस्ल फरमाया यानी वुजू किया। उठना चाहा लेकिन गशी तारी हो गई यानी बेहोश हो गए, ठीक है। उनकी तबीयत इस कदर नासाज थी, इस कदर खराब थी कि उन्होंने हिम्मत भी की लेकिन उसके बावजूद जो है वो बेहोश हो गए। तीन मरतबा ऐसा ही हुआ, यानी तीन मरतबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठने की कोशिश की लेकिन क्या हुआ, उनकी तबीयत इस कदर नासाज थी कि वो तीनों मरतबा बेहोश हो गए। जब अफाका हुआ यानी जब कुछ फायदा हुआ, उनकी तबीयत जो है कुछ बेहतर हुई, तो इरशाद फरमाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहें कि वो नमाज पढ़ाएं, ठीक है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद थे, ठीक है। उन्होंने फरमाया कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहें कि वो नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने माजरत की, यानी माफी मांगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद नहायत नर्म दिल वाले हैं, यानी वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, नर्म दिल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत एहतराम करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह उनसे खड़ा ना हुआ जाएगा। अब यहाँ देखें उनका एहतराम कितना था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी वो उनकी इज्जत करते थे कि उनमें इतनी हिम्मत ना थी, ठीक है, कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर इमामत करवाएं, उनकी जगह पर खड़े हो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही हुक्म दिया कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़ाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही कहा कि नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो नमाज पढ़ाए। चुनाचे तीन दिन तक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज पढ़ाई, यानी तीन दिन तक ऐसा ही हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह नमाज पढ़ाई। एक दिन तबीयत जरा संभली तो उसने फरमाया, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के सहारे मस्जिद में तशरीफ लाए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतनी हिम्मत ना थी, इतनी ताकत ना थी कि जैसे कि उन्होंने पहले सेकंड पैराग्राफ में मैंने आपको बताया कि चलने फिरने की ताकत ना थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हालत बेहतर हुई तो उन्होंने क्या किया, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलवाया और उनके सहारे जो है वो मस्जिद में गए, ठीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनकर पीछे हटने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से मना कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मस्जिद में तशरीफ ला चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि अब मतलब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर वो नहीं खड़े हुए, वो पीछे हटने लगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इशारा किया कि नहीं वो वहीं पर रहें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से मना कर दिया, उनके पहलू में बैठकर नमाज अदा की। यानी नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ही अदा की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत में नमाज अदा की, ठीक है। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया और फरमाया, ऐ लोगो, अगर किसी का मुझ पर कोई हक है तो मुझसे ले ले, अगर मैंने किसी पर जुल्म किया है तो मुझसे बदला ले ले या माफ कर दे, ताकि मैं अपने रब के पास बिल्कुल पाक होकर जाऊं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था अपनी आवाम से, अपने लोगों से, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, अगर किसी का मुझ पर कोई हक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या लकब दिया गया था, अमीन और सादिक, सादिक और अमीन के लकब से पुकारा जाता था, अमानतदार और सच्चा इंसान, ठीक है। यानी अगर किसी की मेरे पास कोई अमानत है तो मुझसे ले ले, और अगर मैंने कभी किसी पर जुल्म किया है या किसी का दिल मेरी वजह से दुखा है तो या तो वो मुझसे बदला ले ले या फिर मुझे माफ कर दे, ठीक है, ताकि मैं अल्लाह के पास बिल्कुल पाक होकर जाऊं। जी, तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ जाते हैं। खुतबा मुबारक से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में तशरीफ लाए, यानी लोगों से खिताब करने के बाद उससे फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो अशर्फियां पड़ी थी
उन्हें मंगवा कर गरीबों में तकसीम कर दिया और ऐलान किया कि पैगंबर कोई तिरका नहीं छोड़ते। तिरका से मुराद क्या है यहाँ पर? तिरका से मुराद क्या होगा बॉय? जायदाद, माल, ठीक है। यानी मतलब अभी देखे ना, अभी लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी तबीयत ऐसी, प्रॉपर्टी राइट करवा देते हैं कि ये मैं उसके नाम करके जा रहा हूँ, ऐसे ही होता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि जो उनके पास असबाब थे, माल था, जायदाद थी, उन्होंने क्या किया, उसे गरीबों में तकसीम कर दिया। ये नहीं सोचा कि अपनी फैमिली के लिए छोड़े, ऐसे करें, ऐसा नहीं होता था। अल्लाह की सपोर्ट करके गए, ठीक है, और वो क्या किया, अपनी जो जायदाद माल था उसे गरीबों में तकसीम कर दिया। इसका जो भी तरका होगा, तो तरका यहां से यही मुराद है, तरके से मुराद यही है, जायदाद, माल, ठीक है। इनका जो भी तरका होगा वो बैतुल माल में जमा होगा। बैतुल माल कौन सा होता है? ये इस्लामी हुकूमत का खजाना होता है, ठीक है ना, जहां पर जिसमें हर मुसलमान का बराबर हक होता है और मुसलमानों की बहबूद पर खर्च होगा, यानी उनकी भलाई के लिए, उनकी जरूरतों के लिए खर्च होगा। मिसाल वाले दिन तबीयत को जरा सुकून हुआ, यानी उनकी तबीयत जो है कुछ बेहतर हुई, मगर थोड़ी ही देर बाद तबीयत खराब हो गई और बेचैनी बढ़ती गई, चेहरा मुबारक पर पसीना आता रहा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, आप जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर परेशान थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के बाद तुम्हारा बाप बेचैन नहीं होगा, ठीक है। आखिरी सपहर यानी दोपहर के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की, मिसवाक का पता है आपको, लकड़ी की जो होती है जिससे ब्रश किया जाता है, दांतों को साफ किया जाता है, उसे बोलते हैं, ठीक है। फिर उंगली उठाकर 3 मरतबा फरमाया कि अब सिर्फ बड़ा रफीक का दरकार है, रफीक मीन साथी, दरकार मीन जरूरत है, ठीक है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, यानी वो इस दुनिया से कूच कर गए और महबूबे हकीकी से जा मिले। ये वाकया कब पेश आया? ये वाकया 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी बरोज सोमवार यानी पीर के दिन पेश आया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल थी। विसाल की खबर सुनते ही सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम इंतहाई गमगीन हो गए, यानी गमजदा हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जाहिर सी बात है, उनके सहाबाए किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बहुत अच्छे, उनके क्या कहते हैं, बिहेवियर होता था, बैठते थे, मुख्तलिफ मसाइल पर बात होती थी, ये सारी चीजें उनके मतलब बहुत ज्यादा करीब थे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। उन्होंने क्या किया, जब ये खबर सुनी तो वो बहुत ज्यादा गमगीन हुए। बास को तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का यकीन ही नहीं आता था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये हालत हो गई कि तलवार लेकर बाहर खड़े हो गए और कहने लगे कि जो शख्स कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए हैं, मैं इसका सर उड़ा दूंगा। यानी उनकी मोहब्बत देखें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि उनकी एक कैफियत हो गई कि जब उन्होंने ये सुना, उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आया और उन्होंने कहा कि जो शख्स ऐसा कहेगा मैं उसका सर कलम कर दूंगा, यानी सर उड़ा दूंगा। इसी दौरान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर तशरीफ ले गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के बाद, यानी उन्हें देखने के बाद, बाहर आए और एक मुख्तसर सा खुतबा दिया, यानी लोगों से उन्होंने बात की, जिससे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये विसाल का यकीन आ गया। यानी जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के बाद कमरे से बाहर आए, तो उन्होंने जब अवाम के साथ खुतबा किया, तो ये इस खुतबे से क्या हुआ, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का यकीन आया। हजरत अली, हजरत अब्बास और हजरत फुसील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया। अगले रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर, यानी उनका जिस्म मुबारक, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में दफन किया गया। वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है, ठीक है। इस पूरे लेसन में हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो ये है, मदीना मुनव्वरा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, नेक्स्ट पॉइंट है अलालत, और लास्ट पर क्या था, आखिरी खुतबा, ठीक है। यानी अवाम के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया वो, और किस तरह से वो अपने महबूब हकीकी से जा मिले, इन तमाम पॉइंट्स पर हमने बात की। जी बेटा, तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, इसके अपने लेसन के विसाल के पेज नंबर 49 पर क्वेश्चन आंसर मेंशन किए गए हैं ना यहाँ पे,
यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर्स डिटेल वाले, आपने रीडिंग को अच्छे से पढ़ा समझा, आप इजीली इनके क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आप राइट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अलालत के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा क्या फरमाया? सेकंड है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा से फारिग होकर कहाँ गए और क्या काम किया? थर्ड है, विसाल वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कैफियत थी? तहरीर करें। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलादत के दौरान मस्जिद नबवी में नमाज किसने पढ़ाई थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। तबीयत संभलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन दो सहाबाए किराम रजी अल्लाह तआला अन्हु के सहारे मस्जिद में तशरीफ लाए थे? जैसे कि हमने सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा था यहाँ पे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के सहारे मस्जिद में तशरीफ लाए। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप शॉर्ट में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के मौके पर सहाबाए किराम रजी अल्लाह तआला अन्हु की क्या कैफियत दारी थी? विसाल की खबर सुनते ही सहाबाए किराम रजी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई गमगीन हो गए। बास को तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का यकीन ही नहीं आता था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हालत होगी कि तलवार लेकर बाहर खड़े होगी और कहने लगे कि जो शख्स कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए हैं, मैं इसका सर उड़ा दूंगा। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ पर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ और विसाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 12 रबीउल अव्वल बरोज सोमवार के दिन हुआ और इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखें आप, विसाल के बाद किन सहाबाए किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत फजील रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, खाली जगह। हुज्जतुल विदा से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश ले आए, यानी मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। क्या ले आए? मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 सफर 11 हिजरी को डैश हो गए, यानी अलील हो गए। ठीक है, ए लोगो, अगर किसी का मुझ पर कोई हक है तो मुझसे ले ले। फोर्थ पर है, विसाल की खबर सुनते ही सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई गमगीन, क्या होगा इसमें? इंतहाई गमगीन हो गए। अब सिर्फ बड़ा डैश दरकार है, बड़ा डैश दरकार है यानी बड़ा रफीक दरकार है, रफीक साथी दरकार है। एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं हम इसके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कितनी उम्र में हुआ? 62 साल, 63 साल, 70 साल या 80 साल? 63 साल। विसाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस उम्र मोमिनीन के हुजरे में थे? हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत जवेरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा या हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा? हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा। जो सही जवाब है वो है हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल किस सन हिजरी में हुआ? 11 हिजरी, 12 हिजरी, 13 हिजरी या 14 हिजरी? ठीक है, 11 हिजरी में। सही जवाब है 11 हिजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने में बीमार हुए? शवाल, सफर, रबीउल अव्वल, मुहर्रम? सही जवाब है इसका सफर। लास्ट एमसीक्यू देखें आप, विसाल के वक्त किस सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मत मुसलमा को संभाला? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने या हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने? सही जवाब है इसका हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है बेटा, आज की आप अपनी डायरी देखें, 7th क्लास, घर का आपका जो काम है, सबक विसाल की बलरखानी आपने पढ़नी है अच्छे से। ठीक है, उसके साथ उसकी जो एक्सरसाइज मैंने आपको साथ साथ अभी सॉल्व करवाई है, जैसे कि मुकम्मल उसकी मश्क है, मश्क में क्या चीज आ जाती है आपकी, आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, और आपने उसे नोटबुक पर राइट करना है नीट राइटिंग में। ठीक है, नीट राइटिंग में आपने उसे मेंशन करना है अपनी नोटबुक पर। और इसके अलावा अमली सफात, ठीक है, अमली सफात जो आपके होते हैं बुक पर सॉल्व करने वाले, आपने उसे नीट राइटिंग में अपनी बुक पर सॉल्व करना है। ओके बॉयज जी बेटा, 7th क्लास, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है।
ठीक है, आपने अपना सारा जो वर्क है वो अच्छे से करना है, कंप्लीट करना है, जो नोटबुक पर मेंशन करने वाला वर्क है, नोटबुक पर राइट करने वाला वर्क है, आपने उसे उसी तरह से नीट राइटिंग में प्रॉपर तरीके से उसे राइट करना है, ठीक है, और हमें व्हाट्सएप करना है, ओके। और लॉन्ग क्वेश्चंस भी इसके, शॉर्ट क्वेश्चंस भी, वर्क पेजेस तो आप अपने बुक पर ही सॉल्व करते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हैं और MCQs हैं, ओके ना। बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।